अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एम एस ऑटोस की तरफ से मैं हूं मोहम्मद शौकत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं सुजुकी कल्टस के बारे में। हमारे पास ये गाड़ी आई है, इसका मसला ये है कि गाड़ी थोड़ी देर चलने के बाद जो है इसका एसी ट्रिप हो जाता है और गर्म हवा आना शुरू हो जाती है इसके अंदर। यानी कि कभी चलेगा तो बिल्कुल चलता रहेगा, और उसके बाद अगर ये मसला आएगा कि जैसे कभी एसी चल रहा है और ऑफ़ हो रहा है, चल रहा है ऑफ हो रहा है, तो उसमें इसका मसला क्यों आता है। और इसके अंदर देखें, जैसे करोला के अंदर मसला होता है कि जैसे सेंसर वाला कंप्रेसर है वो सेंसर ट्रिप करता है, लेकिन इसमें तो कंप्रेसर मैग्नेट वाला है, लेकिन इसमें जो मसला आता है आज आपको उसके बारे में बताएंगे। तो इसका मसला ये है कि देखें, अभी हमारा एसी जो है अभी कूलिंग नहीं कर रहा, ठीक है, अभी जो हमारा एसी कूलिंग नहीं कर रहा, और यहाँ पे जो है एसी हमारा ऑन है लेकिन एसी कूलिंग नहीं कर रहा। इसका मसला क्या है कि जो ये बटन लगा हुआ है, ये एसी का बटन, जब तक इस एसी के बटन को मैं दबा के नहीं रखूंगा एसी ऑन नहीं होगा इसका, ठीक है। ये देखें, अभी मैंने एसी का बटन दबा के रखा हुआ है, एसी ऑन हो गया। अब ये मैंने एसी का बटन ऑफ कर दिया, और ये देखें, ये नॉर्मली जैसे हम ऑन करते ऐसे मैंने ऑन किया, तो अभी तक कंप्रेसर जो ना ऑन नहीं हुआ, ठीक है। अब देखें, अब इसको मैं दबा के रखूंगा तो हमारा एसी ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मसला ये आता है कि जो इसका ये एसी का जो पैनल है, इसके अंदर जो बटन होता है, इसका जो टच बटन जो होता है जो इसको एसी को ऑन ऑफ करता है, वो बटन इसका खराब हो गया है। तो अब इसका जो है हम बटन ये रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब बटन इसका रिप्लेस करेंगे तो इंशाल्लाह उसका आपको तरीकेकार बताएंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं और ये कैसे आपका मसला सॉल्व हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले जो आपको ये इसकी पट्टी खोलनी है, पट्टी खोलने के बाद आपने जो है इसकी ऊपर वाली जो ग्रिल है वो खोलनी है। जैसे आप ये निकालेंगे तो उसके बाद आपने इसका जो टेप लगा हुआ है, आपने ये इसका टेप निकालना है। टेप के बाद जो है आपने इसका पैनल खोलना है। हमारा जो पैनल है इसमें हम ये देखेंगे कि ये सर्विस हो सकता है या इसका पैनल का बटन चेंज होगा, इन दोनों में से हम इसका एक काम करेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, इसका जो है ये एसी का पैनल है जिसमें एसी का बटन लगा हुआ होता है, ठीक है। अब इसकी जो है हम या तो सर्विस करेंगे या तो इसका बटन चेंज करेंगे। ये इसकी जो अंदर पिनें होती हैं, या तो वो लूज़ हो जाती हैं या तो उसके अंदर रस्ट आ जाता है, और ये कल्टस के अंदर अक्सर ये फॉल्ट आ रहे हैं। नए मॉडल की जो कल्टस है उसके अंदर ये फॉल्ट आता है। अब आपको इसका तरीक़ेकार दिखाएंगे कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखें, ये सबसे पहले जो है आपने इसका ये ब्लोअर स्विच निकालना है। ब्लोअर स्विच जो 1, 2, 3, 4 चलाता है, ये वो स्विच है, ये वाला आपने सबसे पहले ये निकालना है। उसके बाद आपने इसके नक्के लूज़ करने हैं, फिर उसके बाद आपने ये इसके बटन निकालने हैं। उसके बाद जो है इसका ये कवर बाहर आएगा पैनल का, उसके पीछे सर्किट लगा हुआ होता है। अब ये देखें, ये जो सर्किट लगा हुआ है, ये इसके अंदर जो ये वाला बटन लगा हुआ है, ये बटन इसका सही से काम नहीं कर रहा, सही से वर्किंग नहीं कर रहा, ठीक है। ये सप्लाई जो है वो बाईपास नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब इसको जो है अभी हम इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या पोजीशन है और क्या इसके अंदर मसला है। या तो इसके अंदर रस्ट है या तो इसके अंदर इसकी पिनें बिल्कुल बैठ गई हैं और वो हीटअप हो गई हैं, इन दोनों में से एक मसला होगा हमारा इसके अंदर, ठीक है। और ये बहुत ईजीली आप इसकी सर्विस कर सकते हैं और आप आसानी से इसको बटन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा एम एस ऑटोस चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली भर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी नॉलेज में और इजाफा हो सके। अपनी कीमती राय का जरूर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। तो अब ये देखिए, ये अभी हम इसका ये जो है बटन है ये खोल के देख रहे हैं, और ये इस तरह से साइड में छोटे छोटे लॉक होते हैं। अब ये जैसे लॉक से बाहर निकालेंगे तो ये आपकी पिनें जो हैं ये पूरी ऐसे बाहर आ जाएंगी। अब ये देखें, ये बाहर आ गई हैं। ये इसके अंदर छोटी छोटी पिनें होती हैं जो इसकी लूज़ हो जाती हैं और उसके अंदर रस्ट आ जाता है, और अभी इसके अंदर जो हमारा जो है ये रस्ट आया हुआ है। रस्ट की वजह से जो है ये हमारा इसी प्रॉब्लम कर रहा था। कराची के अंदर जो है नमी की वजह से ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती हैं वो बहुत जल्दी रस्ट पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से फिर ये इस तरह के फॉल्ट आते हैं। इसके जो है अभी हम बटन की सर्विस करेंगे, इसकी पिनों की, और जितनी इसके अंदर पिनें लगी हुई हैं, स्प्रिंग हो गया उसको हम चेक करेंगे। सेट करने के बाद जो है अब इसको हम इसके अंदर दोबारा इंस्टॉल करेंगे। तो इसको बटन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इंशाल्लाह हमारा यही वाला जो बटन है हमारा ओके हो जाएगा। तो ये देखिए, जो बारीक बारीक पली वाली जो पिनें हैं ना, ये इसकी जो हैं वो लूज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरह से जो है ये छोटे छोटे पिनें होती हैं अंदर, आपने इनको इस तरह से सर्विस करना है। सर्विस करने के बाद जो है आपने ये
इसकी लॉक और जो पिनें होती हैं वो बिठा देनी है, आपका काम जो है बिल्कुल 100% ओके हो जाएगा। तो ये देखिए, ये छोटी छोटी पिनें होती हैं, ये वाली, ये इसके अंदर की लॉक की बटन की पिनें होती हैं जिनके अंदर रस्ट आ जाता है। अभी हमने इसके अंदर ये सर्विस करी है और इंशाल्लाह हमारा जो है काम ओके हो जाएगा। ये देखें, ये इसकी छोटी दो पिनें होती हैं, ये इसका स्प्रिंग है और ये उसका लॉक है। तो चले फ्रेंड्स, अभी जो है इसको अंदर हम इसको फिट करते हैं। और ये देखें, ये इस तरह से आपने पिनें बिठा के इसको इस तरह से ये दोबारा बिठाना है और बहुत इजी है ये, आप खोल के सर्विस कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर फॉल्ट ये आता है कि अगर आपने, जब इसका स्प्रिंग लूज़ हो जाता है या पिनें इसकी कमज़ोर पड़ जाएँ या उसके अंदर रस्ट आ जाए, तो आप हल्का सा दबाते हैं तो वो जो है उसको सप्लाई जो है वो बाईपास नहीं कर पाता। अब ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम ओके हो गया, ये देखें माशाल्लाह से। तो चलिए अभी हम इसको वो चेक कराते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारा एसी ऑन है, ये देखें माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एसी ऑन है, बेहतरीन एसी काम कर रही है, ऑन ऑफ भी ओके हो रहा है माशाल्लाह से। इसमें क्या होता है कि हल्का सा जैसे पुश करते थे तो एसी ऑन नहीं होता था, और ज़ोर से दबाते थे तो एसी कभी कभी ऑन हो जाता था, उसके बाद चलता रहता था और उसके ज़्यादा जो ना ये ट्रिप कर जाता था, ठीक है। तो इसमें जैसे क्रिटस का एसी ट्रिप कर जाता, समझो आपको ये पैनल का मसला है, पैनल का इशू है इसके अंदर ज़्यादा, ठीक है। तो ये देखिए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम ओके हो गया है माशाल्लाह से। अब इसको जो है हम गाड़ी के अंदर फिटिंग करेंगे, और जिस भाई ने हमसे राबता करना है वो गूगल क्रोम पे जाके सर्च कर सकते हैं एम एस ऑटोज़ के नाम से, आपको लोकेशन और व्हाट्सअप नंबर हमारा मिल जाएगा। आने से पहले हमें एक दिन ज़रूर बताएं पहले, ताकि हम आपका काम जो है तसल्ली बख्श कर सकें और आपको टाइम दे सकें। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन काम अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया है माशाल्लाह से। ये देखें, तो ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है ओके हो गया है माशाल्लाह से। ये देखें, बेहतरीन काम हो गया हमारा, ये देखें माशाल्लाह से। पहले क्या था कि एसी ट्रिप होने के बाद जो है वो या तो लेट ऑन होता था या तो एसी चलते चलते एकदम गर्म हवा देना शुरू कर देता था, क्योंकि पैनल के पास से जो सप्लाई है वो रुक जाती थी, जिससे आगे नहीं जाता था, तो और हमारा एसी जो है वो वर्किंग नहीं करता था। ये न्यू कल्टिस का मॉडल है और इसके अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आया है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ कराची में जो है नमी की हवा की वजह से जो है ये जल्दी से ख़राब हो जाता है और जल्दी इसमें रस्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देख के आप, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा एसी के काम कर रहा है और हमने तकरीबन काफ़ी देर तक इसका एसी चलाया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा एम एस ऑटो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली बड़े वक्त नोटिफिकेशन से और अपनी नॉलेज में और ज़्यादा हो सके। अल्लाह हाफिज़।